गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके नेक्स्ट टर्म में आपने क्या पढ़ा था? फिजिकल टेक्सटाइल पढ़ चुके थे एसटीएम में। टुडे आपका जो टैग होगा वो होगा सुब सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग रहेगा। तो देखते हैं कि सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टैग में क्या होता है। इन एसटीएमएल यू कैन सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट योर टेक्स्ट। सबस्क्रिप्टिंग और सुपर स्क्रिप्टिंग टैग कैन बी यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग केमिकल फॉर्मूलाज और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इन अ वेब पेज। अगर हम वेब पेज या वेबसाइट में अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला देना चाहते हैं या केमिकल फॉर्मूला देना चाहते हैं, जैसे केमिकल फॉर्मूला किस पेज पर होगा, H2O NaOH इस तरीके से, और CO2 इस तरीके से। अगर केमिकल फॉर्मूलाज देना चाहते हैं तो हम सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। और मैथमेटिकल फॉर्मूला देना चाहते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वेशन देनी है, x2 + y2 = z2। तो अगर वेबसाइट में अगर हमें इस तरीके के टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना है तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट इज़ स्मॉलर दैन द रेगुलर टेक्स्ट इन द वेब पेज। ये क्या होती है, ये जो रेगुलर टेक्स्ट वो देते हैं वेबसाइट में या वेब पेज में, उससे छोटी या लार्ज होती है सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट। तो आप डिफरेंस देखते हैं सबस्क्रिप्ट में और सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है। तो सबस्क्रिप्ट ज़्यादातर यूज़ जो हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, फार्मूलाज के लिए करते हैं। किसे, केमिकल फार्मूलाज के लिए। केमिकल फार्मूलाज यूज है ना केमिस्ट्री, जैसे हुआ H2O। तो सब स्क्रिप्ट से क्या करते हैं कि ऐसा टेक्स्ट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा टेक्स्ट क्रिएट करते हैं जो कि बिलो द बेस लाइन होता है। कैसा होता है, बिलो द बेस लाइन। ये जो टू होता है वो आपका एच के नीचे आ रहा है ना, ये बेस लाइन है। एच और ओ जो है वो आ रहे हैं, वो बेस लाइन में आ रहे हैं, और बेस लाइन के नीचे क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो सबस्क्रिप्ट की हेल्प से हम ये टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टू लिख सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट क्या करता है, आपका ऐसा टैग जो कि टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है बिलो द बेस लाइन। तो यू कैन यूज द सब टैग टू क्रिएट सबस्क्रिप्ट इन अ वेब पेज। दिस टैग पुट्स द करेक्टर स्लाइटली बिलो द लाइन ऑफ द रेगुलर टेक्स्ट। मतलब क्या, स्लाइटली बिलो, मैंने क्या बताया, बेस लाइन के नीचे आता है, बिलो करेगा, जो भी टेक्स्ट के नीचे आ जाएगा। द टेक्स्ट स्पेसिफाइड बिटवीन द स्टार्ट टैग एंड सब एंड द एंड टैग। तो जो भी आप टेक्स्ट देंगे, जैसे टू को डिस्प्ले कराएंगे, वो सब के अंदर कराएंगे। कहाँ पे कराएंगे, सब के अंदर कराएंगे। इज़ डिस्प्लेड इन अ स्मॉलर साइज। इसका काम क्या होगा, जो टेक्स्ट है उससे स्मॉलर साइज में डिस्प्ले कराएगा। और जब जैसे ही स्मॉलर साइज में डिस्प्ले करा दिया, मतलब एच के नीचे आ रहा है, टू जो है छोटा आ रहा है एच से, और जैसे ही आपने टू छोटा कर दिया तो मीन्स जो टू है वो कैसा, सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट है। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट विल मैच द फॉन्ट ऑफ द इंक्लोजिंग टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट इज यूजफुल वैन यू हैव रेफर टू अ केमिकल फॉर्मूला। मैंने क्या बताया, जो भी आप यूज़ करेंगे वो ज़्यादातर किसमें यूज़ करेंगे, केमिकल फॉर्मूला, जैसे CO2 H2O, ठीक है, और भी एग्जांपल O3, ओजोन, O2, ऑक्सीजन, इस तरीके का। अगर वेब पेज में अगर हम वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हम केमिकल फॉर्मूला देना चाहते हैं, लिखेंगे, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, किस टैग का यूज़ करना पड़ेगा, सब टैग में सब स्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो सब टैग के बारे में जानते हैं, इज़ अ कंटेनर एलिमेंट जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ कंटेन करेगा। क्या करेगा, अपने एट्रीब्यूट्स को कंटेन करेगा। इसका फंक्शन क्या है, सबस्क्रिप्ट करना, मतलब जो टेक्स्ट होगा वो बिलो द बेस लाइन कर देगा। एट्रीब्यूट्स नहीं कंटेन करता है, कंटेन्स क्या करता है, टेक्स्ट विच यू वॉन्ट टू अपियर बिलो द बिलो बेस लाइन। सबके अंदर क्या आएगा, क्या कंटेन करेगा, वो टेक्स्ट दे गए इसमें जो हम बेस लाइन के नीचे करना चाहते, लिखना चाहते हैं। और किसके अंदर देते हैं सबस्क्रिप्ट को, किसके अंदर देंगे, बॉडी के अंदर देंगे। तो आज इसका फॉर्मूला, आज हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। तो HTML एक पहला जो रूट टैग होगा, फिर हेड टैग होगा, उसके अंदर कंटेनर का काम करेगा। तो हेड क्या के अंदर क्या देते हैं, टाइटल देते हैं। टाइटल में हमने लिख दिया जो चीज़ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। टाइटल बंद कर दिया, हेड भी को क्लोज कर दिया। अब बॉडी खोला हमने, तो बॉडी के अंदर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग देना चाहेंगे, तो लिखेंगे द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो H2O बेस लाइन, मतलब H और O एक बेस लाइन में है, टू क्या आ रहा है, बेस लाइन के नीचे आ रहा है। तो अब पहले H लिख देंगे, अब जो टू होगा वो सब टैग के अंदर जाएगा। तो देखो H लिख दिया, फिर सब टैग ओपन किया, टू को हमें डिस्प्ले कराना है टेक्स्ट बिलो द टेक्स्ट लाइन, बिलो द बेस लाइन। तो बेस लाइन के नीचे टू को डिस्प्ले कराना है, इसी को हम सब टैग के अंदर देंगे। दे दिया हमने टू को, फिर सब बंद कर दिया, और फिर जो बचा हुआ पार्ट था वो लिख दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया सब टैग, और फिर बॉडी क्लोज कर दी, HTML क्लोज कर दिया। अब हमने रन कराया F5 से, देखिए क्या किस तरीके से डिस्प्ले हुआ। हमने अगर H2O को इस तरीके से डिस्प्ले किया था सब के अंदर, तो देखिए जो फाइनल आउटपुट आया वो कैसे आया, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O।
ठीक है स्टूडेंट। तो आज आपने क्या देखा, किस टैग के बारे में समझाया, सबस्क्रिप्ट के बारे में समझाया। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम किसके बारे में समझेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, जस्ट इसका उल्टा होता है। अभी हमने ये केमिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, बिलो द टेक्स बिलो द बेस लाइन यूज करते थे, और सुपर स्क्रिप्ट को हम क्या करेंगे, अबव द बेस लाइन यूज करेंगे। तब जब अबव द बेस लाइन यूज करना है तो हम किस में यूज करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में देंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो अबव द बेस लाइन, एक्स वाई और जेड एक बेस लाइन में है, इससे ऊपर आ रहे हैं, बेस लाइन के ऊपर आ रहे हैं ना 2 2। तो यहाँ पे किस टैग का यूज़ करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट का। तो इसके बारे में जो डीप डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।